क्वेश्चन में हमें एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के डेली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है और इसका ओजाइव भी बनाना है। यहां इस क्लास इंटरवल में 100 इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है और 120 इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है। और स्टूडेंट्स, आपने एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि हर एक क्लास इंटरवल्स में जो नंबर्स लिए जाते हैं, जो वैल्यूज लिए जाते हैं, वो उस क्लास इंटरवल्स के लोअर लिमिट के बराबर और उससे बड़े होते हैं लेकिन अपर लिमिट से छोटे होते हैं। यानी कि हर एक क्लास इंटरवल्स में वो नंबर्स लिए जाते हैं, वो वैल्यूज लिए जाते हैं जो मोर देन इक्वल्स टू लोअर लिमिट हो, जो मोर देन इक्वल्स टू लोअर लिमिट हो लेकिन लेस देन अपर लिमिट हो। जैसे कि इस क्लास इंटरवल में हम सिर्फ वो नंबर्स या वो वैल्यूज लेंगे जो 100 या 100 से बड़ी हो लेकिन 120 से छोटी हो। अब क्योंकि हर एक क्लास इंटरवल में अपर लिमिट से लेस देन वैल्यूज होती हैं, इसलिए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम सिर्फ अपर लिमिट्स का यूज करेंगे क्योंकि अपर लिमिट से लेस देन वैल्यूज हर क्लास इंटरवल में होती हैं। हम कभी भी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए लोअर लिमिट्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्लास इंटरवल में तो लोअर लिमिट की इक्वल और मोर देन वैल्यूज होती हैं। तो चलिए इस क्लास इंटरवल्स में दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हम डेली इनकम का लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहां पर बनाने जा रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे डेली इनकम। और यहां लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। चलिए अब हम इस पहले क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं और लेस देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका अपर लिमिट लेंगे, लिखेंगे लेस देन 120। चलिए अब हम इस दूसरे क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं और इसका अपर लिमिट लेंगे, लिखेंगे लेस देन 140। अब इस तीसरे क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इसका अपर लिमिट लेंगे, लेंगे 160 और लिखेंगे लेस देन 160। फोर्थ क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप में लिखने के लिए हम इसका अपर लिमिट लेंगे 180 और लिखेंगे लेस देन 180। और फिफ्थ क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका अपर लिमिट लेंगे 200 और लिखेंगे लेस देन 200। तो यहां पर हमने इन सारे क्लास इंटरवल्स को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करके लिख लिया है। चलिए अब हम इस लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहां पर लिखते हैं। चलिए हम सबसे पहले इस फर्स्ट क्लास इंटरवल को देखते हैं और ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है 100 टू 120। यानी कि इस क्लास इंटरवल में उन फैक्ट्री वर्कर्स को रखा गया है जिनकी डेली इनकम 100 या मोर देन 100 है लेकिन लेस देन 120 है और ऐसे टोटल वर्कर्स हैं 12। बाकी सभी वर्कर्स की 120 या मोर देन 120 इनकम है क्योंकि लेस देन 120 डेली इनकम वाले टोटल वर्कर्स हैं 12। इसमें लेस देन 120 डेली इनकम के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 12। तो अब आपने याद रखना है जो ये पहला क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। चलिए अब हम लेस देन 140 डेली इनकम के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और लेस देन 140 डेली इनकम वाले टोटल वर्कर्स होंगे 14 प्लस 12, क्योंकि जो 120 या मोर देन 120 डेली इनकम करते हैं लेकिन लेस देन 140 डेली इनकम करते हैं जो कि 14 वर्कर्स हैं, वो तो लेस देन 140 वाले ग्रुप में आएंगे आएंगे, लेकिन जो 120 से लेस देन इनकम करते हैं जो कि 12 वर्कर्स हैं, वो भी लेस देन 140 वाले ग्रुप में आएंगे। इसलिए लेस देन 140 के लिए जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसमें 12 और 14 दोनों को लेंगे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे, लिखेंगे 12 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 26। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इस दूसरे लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इन पहले दो फ्रीक्वेंसीज को यहां पर ऐड करके लिखेंगे। और वैसे भी स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज का सम करते जाते हैं। चलिए अब हम लेस देन 160 डेली इनकम के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिखते हैं। लेस देन 160 डेली इनकम के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में
लेस देन 120 डेली इनकम वाले भी आएंगे, लेस देन 140 डेली इनकम वाले भी आएंगे और लेस देन 160 डेली इनकम वाले भी आएंगे। यानी कि हमने इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को यहां पर ऐड करके लिखना है। तो यहां पर आएगा 12 + 14 + 8, इसे ऐड करके आएगा 34। तो इस तीसरे लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इन तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहां पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लेस देन 180 डेली इनकम के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिखते हैं। और इस लेस देन 180 डेली इनकम के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन 120 डेली इनकम वाले भी आएंगे, लेस देन 140 डेली इनकम वाले भी आएंगे, लेस देन 160 डेली इनकम वाले भी आएंगे एंड लेस देन 180 डेली इनकम वाले भी आएंगे। यानी कि लेस देन 180 डेली इनकम के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इन चार फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड करके यहां पर लिखना है। तो इस लेस देन 180 डेली इनकम के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको 12 + 14 + 8 + 6 इन चार फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है और इन चारों का सम आएगा 40। यानी कि लेस देन 180 डेली इनकम का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 40। चलिए हम लेस देन 200 डेली इनकम के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिखते हैं। और लेस देन 200 डेली इनकम के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिखने के लिए हम लेस देन 120 डेली इनकम की फ्रीक्वेंसी, लेस देन 140 डेली इनकम की फ्रीक्वेंसी, लेस देन 160 डेली इनकम की फ्रीक्वेंसी, लेस देन 180 डेली इनकम की फ्रीक्वेंसी एंड लेस देन 200 डेली इनकम की फ्रीक्वेंसीज, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को यहां पर ऐड करके लिखेंगे। तो हमारे पास में आएगा 12 + 14 + 8 + 6 + 10। हमने इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहां पर लिख लिया और इन सबका सम आएगा 50। यानी कि लेस देन 200 डेली इनकम के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 50। अब यहां पर हमने लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बना लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ओजाइव को बनाने के लिए पॉइंट्स को यहां पर लिखते हैं पॉइंट्स फॉर ओजाइव। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी हम किसी ग्राफ में कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उस पॉइंट के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जब हम ओजाइव के लिए पॉइंट्स लेंगे तो उसमें भी, क्योंकि ओजाइव एक ग्राफ है, तो जब हम ओजाइव के लिए पॉइंट्स लेंगे तो उसमें भी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब हम ओजाइव के लिए पहला पॉइंट बनाएंगे तो हम पहले क्लास इंटरवल के अपर लिमिट को एक्स की जगह पर लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको y की जगह पे लिखेंगे। तो 12 को हम y की जगह पे लिखेंगे। तो ओजाइव बनाने के लिए जो पहला पॉइंट बना है वो बना है हमारा 120, 12। चलिए हम दूसरे पॉइंट को बनाते हैं, ओजाइव के लिए दूसरे पॉइंट को बनाते हैं। इसके लिए हम दूसरे क्लास इंटरवल के अपर लिमिट को 140 को x की जगह पे रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 26 उसको y की जगह पे रखेंगे। चलिए हम ओजाइव बनाने के लिए तीसरा पॉइंट बनाते हैं और इसके लिए हम तीसरे क्लास इंटरवल के अपर लिमिट 160 को एक्स की जगह पर रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34 उसको वाई की जगह पर रखेंगे। चलिए हम चौथा पॉइंट बनाते हैं और चौथे पॉइंट के लिए हम चौथे क्लास इंटरवल के अपर लिमिट 180 को एक्स की जगह पर रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40 उसको वाई की जगह पर रखेंगे। चलिए हम पांचवा पॉइंट बनाते हैं और इस पांचवे पॉइंट के लिए हम पांचवे क्लास इंटरवल के अपर लिमिट 200 को एक्स की जगह पर रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50 उसको वाई की जगह पर रखेंगे। तो यहां पर हमने ओजाइव बनाने के लिए सारे पॉइंट्स को बना दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ओजाइव ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहां पर एक ग्राफ बना देते हैं। ये बनाया हमने वाई एक्सिस और ये बनाया हमने एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, जब भी हमें ओजाइव बनाना हो तो हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं डेली इनकम के अपर लिमिट्स को। तो हमने यहां पर एक्स एक्सिस पर डेली इनकम के अपर लिमिट्स को लिख लिया है और वाई एक्सिस में हम रखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। तो हमने y एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहां पर लिख लिया है। इस वक्त हमने
इस एक्स एक्सिस पर यहां पर एक किंक भी लगाया हुआ है। ये किंक ये दिखा रहा है कि हम शुरुआती डेटा यहां पर नहीं फिल करने जा रहे, यानी कि 10, 20, 30, 40 ये तो यहां पर है नहीं, सीधा हम जो है 120 से एक्स एक्सिस पर डेटा रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपर लिमिट जो है क्लास इंटरवल का वो 120 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हम 120 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हमने शुरुआती डेटा छोड़ दिए, तो उसकी जगह पर हमने यहां पर किंक लगा दिया है। तो यानी किसी ग्राफ में अगर शुरुआती डेटा ना हो तो हम किंक लगा करके बीच वाले डेटा से भी ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इन ओजाइव के पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके ओजाइव को ड्रॉ करते हैं। और जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है 120, 12, यानी कि x पर 120 और y पर 12, ये यहां पर बैठेगा कहीं पर, ठीक है, ये आएगा 120, 12, ये पहला पॉइंट हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास में है ओजाइव के लिए 140, 26, यानी कि 140 ये है और 26 यहां पर कहीं होगा, तो ये आएगा 140, 26। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास में 160, 34, यानी कि x पर 160 और y पर 34, तो ये यहां पर आएगा 160, 34। चौथा पॉइंट हमारा है 180, 40, 180 x पर और कॉमा 40 यानी कि y पर 40, तो ये आएगा एग्जैक्टली यहां पर, ये हो जाएगा 180, 40। अब पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा है 200, 50, यानी कि x पर 200 और y पर 50, ये आएगा एग्जैक्टली यहां पर 200, 50। तो ओजाइव बनाने के लिए इन सारे पॉइंट्स को हमने यहां पर प्लॉट कर दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व बनाते हुए जोड़ेंगे। हम इन पॉइंट्स को स्केल लेकर के मिलाते हुए नहीं जोड़ेंगे, स्केल लेते हुए अगर हम मिलाते हुए जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो ओजाइव नहीं होगा और हमारा पूरा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ओजाइव बनाने के लिए कहा गया है। तो जब भी हमें ओजाइव बनाना हो तो जो पॉइंट्स हम ओजाइव के लिए बनाते हैं उनको हम फ्री हैंड्स कर्व बनाते हुए जोड़ते हैं। चलिए हम इन पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व बनाते हुए जोड़ेंगे, हम इस तरीके से जोड़ेंगे इनको, ठीक है। तो हमने इन पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व फॉर्म में जोड़ लिया और जो कर्व बना है यही हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ओजाइव है। चलिए अब हम इस डेटा का मीडियन ही निकाल लेते हैं, और मीडियन निकालने के लिए हमको चाहिए एन। एन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगा, अगर हम इन सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लें तो बनेगा 50, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यहां पर है 50। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे n by 2, यानी कि 50 by 2, और ये आएगा 25। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यानी कि n को निकालेंगे, और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यहां पर निकलेगा 50। फिर हम करेंगे n by 2, 50 by 2 हो जाएगा 25। अब हमने n by 2 जो कि 25 है इसको y एक्सिस पर लोकेट करना है, और y एक्सिस पर 25 यहां पर है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट जो है वो है n by 2 पॉइंट और ये है 25। अब हमने इस n by 2 पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये लाइन जो है हमने x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब ये पॉइंट जहां पर ओजाइव को इंटरसेक्ट करता है, जहां पर ओजाइव को कट करता है, वहां से एक लाइन हमने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि इस पॉइंट से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इस पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इस लाइन ने x एक्सिस को जहां पर कट किया वो वाला पॉइंट जो होगा मीडियन होगा इस पूरे डेटा का, और ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट होगा 138.5, ठीक है।
तो इस डेटा का इस ओजाई के थ्रू हमने मीडियन निकाला और मीडियन निकाला 138.5। तो इस तरीके से हम ओजाई के थ्रू डेटा का मीडियन भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।